मुझे लगा बहुत एक्साइटिंग एक तो स्क्रिप्ट है जिस तरह के विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं मुझे लगा कभी इस देश में देखे नहीं गए हैं और दूसरा जो जिस तरह का तरीका था कहानी को कहने का वो बहुत अलग था और जो कैरेक्टर्स हैं चाहे वो राम जी का कैरेक्टर हो सीता चाहे रावण का कैरेक्टर हो सब के कैरेक्टर्स जिस तरह से कहे गए हैं वो मुझे लगा कि तरीका बहुत नया नया है तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा और मैंने कभी एनिमेशन पिक्चर की नहीं है तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है एनिमेशन पिक्चर करने का जी मुझे लगता है जो खासियत है इस पिक्चर की वो ये है कि यूजली जब हम एनिमेशन पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं ये पिक्चर मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी बच्चों को भी अच्छी लगेगी और बुज़ुर्ग जो जो हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी तो मुझे लगता है कि एक ऐसी पिक्चर है जो सबको अच्छी लगेगी और फैमिलीज़ मेरा मानना है साथ में जाके देखेंगी और सबको मज़ा आएगा रावण का ऑफकोर्स Uh, आप जब पिक्चर देखेंगे आप रियलाइज करेंगे कि uh, उनका रोल जो है बहुत पावरफुल है बट आई मीन इट्स जस्ट नाइस टू बी पार्ट ऑफ एन ऑफ अ फिल्म दैट दैट आई थिंक इज ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड आई थिंक दैट इज ऑलवेज एक्साइटिंग तो आप चाहे uh, कोई भी रोल मुझे दे दीजिए uh, वो मैं कर लेता इस पिक्चर में